चलिए तो आज हमें नया टॉपिक करना है वेन डायग्राम का। वेन डायग्राम से पहले तक के टॉपिक था, अरे क्लियर है, डाउट डाउट बोलो, हाउ मेनी एलिमेंट हैज पी, ये नहीं लिखा मैंने बोल भी क्या बोलता है ये How many elements has PA if A is 5? PA means power set of A. Power set of A में कितने elements होंगे अगर आपके पास में A जो है वो 5 है, मतलब null set है। तो if A is a null set, then how many elements will be in the power set? Power set में कितने elements बताए थे? 2 to the power n, है कि नहीं? 2 to the power n. तो अब अगर आप देखोगे number of elements, null set में number of elements 0. Number of elements 0, तो 2 to the power 0 is 1, मतलब power set में एक ही element होगा, वो क्या होगा? 5, समझ गए? और कोई है कि नहीं? नहीं है सवाल और? तो हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, बहुत बढ़िया। क्या? देखो, अब आपका है set का representation। Venn diagrams क्या है? This is representation of set diagram. डायग्राम की मदद से हम सेट का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। क्या करेंगे? डायग्राम की मदद से हम सेट का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, इसे कहते हैं हम वेन डायग्राम। अब देखो वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं हम, जो है वो एक बॉक्स ले लेते हैं, मतलब एक रेक्टेंगुलर शेप ले ली, ये यू डिनोट करता है। यू मतलब क्या था? वेरी गुड, यूनिवर्सल सेट, ये डिनोट कर रहा है यूनिवर्सल सेट को। और कोई भी आपको एक सेट बनाना है इसके अंदर, तो आप इस तरह से इस सेट को डिनोट कर सकते हैं। हमारे पास मतलब ये जो आपके पास में एलिमेंट्स हैं, ये सेट के एलिमेंट्स, ये जिसको डिनोट करेगा वो आपके सेट के एलिमेंट्स। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं ऑपरेशंस ऑफ सेट। ऑपरेशंस ऑफ सेट, सेट्स के डिफरेंट ऑपरेशन। सबसे पहले आता है यूनियन ऑफ सेट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय यूनियन? कहीं ना कहीं तो ये वर्ड सुना होगा, नहीं सुना है? सुना है ना? तो यूनियन का मतलब क्या होता है? लाइक एकता, एकता, यूनियन टू यूनिटी, यूनियन की बात है। यूनियन क्या? सेट एक तरह का ग्रुप ही है। यूनियन क्या? यूनियन इज लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ सेट्स, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेट्स। समझो एक बार, मान लो आपके पास में टू सेट्स हैं, ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी आपके पास में क्या है? दो सेट से आपके पास में, तो आपके पास ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी विल बी अ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। A union B के आपके पास में, it is a set of all those elements which belong to both set A and A, A A and B दोनों को belong करता है आपके पास में। और A union B को हम कैसे लिखते हैं? अगर आपको A union B लिखना है, तो union का symbol U होता है, capital। This is A union, this is A union B। तो सिंबल है बेटा, अलग से सिंबल सेट का सिंबल है, ये एक ऑपरेशन का सिंबल है, लाइक प्लस माइनस होता है, ऐसे ये एक ऑपरेशन का सिंबल है हमारे पास में। तो ऑपरेशन आपके पास में है यूनियन का, कॉम्बिनेशन का, तो उसको हम ये डिनोट कर रहे हैं ग्रुप से। ठीक है, क्लियर। और अगर हम इसको ए यूनियन बी को डिफाइन करना चाहें, तो ए यूनियन बी को मैं डिफाइन कर रही हूं कि एक एलिमेंट है इसमें x, सच दैट x बिलोंग्स टू a and x belongs to b। कैसे डिफाइन कर रहे हैं भाई? a union b क्या आपके पास में एक एलिमेंट है x,
such that x belongs to A and x belongs to B. समझो इसको एक बार. मान लो एक सेट है आपके पास में A, 1, 2, 3, 4. एक सेट ले लिया हमने A, 1, 2, 3, 4. एक सेट ले लिया मैंने B, 3, 4, 5, 6. अब मुझे लिखना है A union B. क्या लिखना है? A union B. Now what will be A union B? A union B हो जाएगा आपके पास क्या कहा? सेट जिसमें A के भी एलिमेंट हो, B के भी एलिमेंट हो. तो A के एलिमेंट लिखते हैं पहले 1, 2, 3, 4. अब हमें पता है सेट में रिपीटेशन नॉट अलाउड. सेट में रिपीटेशन नॉट अलाउड. तो आपके पास 3, 4 वापस से नहीं आएंगे. क्या आ जाएगा? 5, 6. क्या आ जाएगा आपके पास में? 5, 6. समझ में आई बात? पक्का क्लियर? इसको अगर आपको वेन डायग्राम में दिखाना है तो वेन डायग्राम में कैसे दिखा सकते हैं भाई? ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया. अब इसमें दो सेट्स हैं आपके पास, एक सेट ए और एक सेट बी. क्यों ये ओवरलैप कर रहा है? क्योंकि ए और बी के बीच में कुछ कॉमन एलिमेंट्स है आपके पास. मतलब कब की बात है? जब ए बी आर डिसजॉइंट सेट, नॉन डिसजॉइंट सेट, नॉन डिसजॉइंट सेट. डिसजॉइंट क्या होता है? जिसमें कुछ भी कॉमन ना. डिसजॉइंट क्या है? जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो. कहता है जब ये नॉन डिसजॉइंट सेट है तब ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ये एलिमेंट्स आपके पास ए यूनियन बी हो जाएगा. बट जब आपके पास ए और बी डिसजॉइंट है तब कैसे बनाएंगे भाई? ये यूनिवर्सल सेट दोनों का अलग अलग बना, ये ए. क्यों? क्योंकि वो डिसजॉइंट है, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है. समझ में आएगा? पक्का? थैंक्स. अगर वो पूरा ही कॉमन हुआ तो फिर एक के ऊपर एक नहीं बन सकता, एक ही बना देंगे तो एक ही बनेगा, तो एक ही बनेगा. उसमें कुछ नहीं दिक्कत है आपके पास में? अगर पूरा ऐसे ही तो एक ही बनेगा. नेक्स्ट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. इंटरसेक्शन मतलब भाई जो दोनों में, इंटरसेक्शन मतलब जो कि दोनों में है आपके पास में. तो आपके पास में क्या है? यहाँ से बोथ हटाओ, टू ए एंड बी, मतलब ए में भी और बी में भी है. इंटरसेक्शन में क्या आएगा? सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच belong to both A and B. भाई जब मैंने both बोला मतलब वो element आपके पास A में भी होना चाहिए और वो element आपके पास में B में भी होना चाहिए, है कि नहीं? वो element आपके पास में A में भी होना चाहिए और वो element आपके पास में B में भी होना चाहिए हमारे पास में. और इसको कैसे denote करते हैं? A intersection B is A इंटरसेक्शन. ए इंटरसेक्शन बी को हम इस तरह से डिनोट करते हैं आपके पास में. इसका मतलब क्या है आपके पास में? इसका मतलब है आपके पास में कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है? इंटरसेक्शन बी अगर कोई एलिमेंट एक्स, अगर कोई एलिमेंट एक्स बिलोंग कर रहा है आपके पास में किसमें, किसमें बिलोंग कर रहा है? ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग कर रहा है. मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी. जैसे कॉमन फ्रेंड है, मैं कब कहूंगी आपका कोई कॉमन फ्रेंड है? जब वो बंदा इनका भी फ्रेंड हो, वो आपका भी फ्रेंड हो, तो वो कॉमन फ्रेंड है आपके पास में और वही कॉमन इंटरसेक्शन है आपके पास में. तो जब कोई एलिमेंट ए में भी है और बी में भी है, ए में भी है और बी में भी है, ठीक है, तो इंटरसेक्शन को हम एंड से भी नोट करते हैं. यूनियन में क्या आ जाएगा? यूनियन में आ जाता है आपके पास में और. यूनियन में क्या आएगा? और. कि एलिमेंट या तो आपके पास में ए में है या फिर आपके पास में बी में है. एलिमेंट या तो आपके पास में ए में है या फिर आपके पास में बी में है. इट इज आइदर इन ए और इन बी. दोनों वाला जो है वो यूनियन में नहीं, दोनों वाला यूनियन में नहीं. यूनियन में क्या है? दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा.
या आप कह सकते हो सीधी भाषा में भी दोनों को ऐड करके जो आएगा वो आएगा आपके पास। जैसे इन्हीं सेट के लिए देखें, मैंने आपको जो सेट दिया था, ए दिया था मैंने क्या 1 2 3, बी 3 4 5, तो व्हाट विल बी ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन क्या है दोनों में 3 4, तो 3 4, ए इंटरसेक्शन बी क्या है आपके पास में 3 4। इसका मतलब इसके लिए ए और बी हमेशा क्या होंगे, नॉन डिसजॉइंट सेट्स होंगे या डिसजॉइंट सेट्स होंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, आप इसको डिनोट करेंगे कैसे, कॉमन है ना, ये वाला पार्ट है आपके पास ए इंटरसेक्शन सेट ए सेट बी, ठीक है, जो कॉमन वाला पार्ट है वो आपका ए इंटरसेक्शन बी का है, क्लियर। नेक्स्ट आता है डिसजॉइंट ऑफ टू सेट, disjoint of two sets, भाई दो सेट आपके पास में disjoint है, disjoint का मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब A intersection B, A intersection B, five, set की language में कुछ भी नहीं का मतलब five, तो मान लो A and B दो sets हैं, A and B are two sets, तो disjoint क्या होंगे, they are disjoint, they are disjoint कब, if A intersection B is five, disjoint कब होंगे भाई, जब A intersection B आपके पास में five होगा, मतलब इनके बीच में अगर कोई भी common element है तो ये disjoint नहीं होंगे। कैसे note करेंगे disjoint set को, ये आपके पास जो diagram बनाया था ये आपका disjoint set का है, किसमें कुछ भी common नहीं है। जैसे मैं एक set लिख रही हूँ 1 2 3 और एक सेट लिख रही हूँ 4 5 6, क्या ये डिसजॉइंट सेट है, क्या ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, हैं आपके पास में, क्यों, क्योंकि A इंटरसेक्शन B इज 5, देयरफॉर A एंड B आर डिसजॉइंट। यहीं पे मैंने एक ले लिया C सेट जो कि आपके पास में है 5 6 और, क्या A और C disjoint है? नहीं। I said A and C. तो A intersection B, यहाँ पे A intersection B क्या है? Sorry, B नहीं, C. क्या है आपके पास? Two. Therefore, A and B are not disjoint. समझ में आई बात? पक्का? चलिए नोट कर लीजिए फिर आप। तो ये था आपके पास disjoint। अब आते हैं हमारे पास next operation, difference of two sets। difference of two sets, नाम से तो समझ में आया होगा, दो सेट्स का हमें डिफरेंस करना है, क्या करना है भाई, दो सेट्स का हमें डिफरेंस करना है। नाउ व्हाट इज डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस का मतलब क्या, डिफरेंस मतलब सबट्रैक्ट करने की बात होती है, तो यहाँ पे भी सेम बात हो रही है आपके पास में कि आपको क्या करना है, अगर दो सेट्स आपके पास में तो उनका डिफरेंस क्या है आपके पास में, आप क्या करेंगे एलिमेंट्स को हटा देंगे वहां से, क्या करेंगे एलिमेंट्स को हटा देंगे। कैसे, देखो समझो, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, A and B are two sets. तो difference का मतलब क्या है? Difference का मतलब है A minus, difference का मतलब क्या है भाई? A minus B. Difference का मतलब है आपके पास में A minus B. कि आपने A में से B को हटा दिया, मतलब elements of B are removed from A. क्या करेंगे a माइनस b, a पहले है ना, तो a माइनस b का मतलब क्या है, a माइनस b का मतलब है कि आप a सेट में से b के एलिमेंट्स को
हटा देंगे, क्या करेंगे, ए सेट में से बी के एलिमेंट्स को हटा देंगे। मतलब मैं अगर इसको लिखूं सेट वेक्टर में क्या लिख सकती हूं, ए माइनस बी का मतलब क्या होगा, x such that x belongs to a, a में तो होगा पर b के तो हटा दिए, तो x does not belongs to b, x does not belongs to b, b. जैसे एक सेट देखो आपके पास में है, ए सेट है 1 2 3 4, बी सेट है आपके पास में 4 5 6 7 1, राइट। नाउ व्हाट इज ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब है कि ए में से बी के एलिमेंट, बी के क्या एलिमेंट है, 1 और 4, दो एलिमेंट्स है आपके पास, तो 1 और 4 को हटा देंगे, क्या बच गया 2 3, तो ए माइनस बी क्या हो गया 2 3, समझ में आएगा, ए माइनस बी क्या हो गया 2 3। ऐसे b माइनस a क्या होगा, व्हाट विल बी b माइनस a, 5 6 7, b माइनस a का मतलब क्या होगा, x such that x does not belongs to a, b माइनस a का मतलब क्या है, b में से a के एलिमेंट्स हटा दो, b में से a के एलिमेंट्स हटा दो, तो x belongs to b, और यहाँ पे b माइनस a क्या हो जाएगा, 4 हट जाएगा, 1 हट जाएगा, क्या होगा, मेरे 5 6 7, समझ में आई बात, मुश्किल नहीं है सेट, सेट्स बहुत ज्यादा आसान है आपके पास। बात है सिमेट्रिक, इसका जनरल मीनिंग बताओ पहले, सिमेट्रिक का पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, मतलब एक जैसा, तो यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, कि भाई आपके पास में दो सेट्स हैं, आपका उनका जो है वो सिमेट्रिक डिफरेंस बताना है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस आपके पास में क्या होता है, हमारे पास में देखो, इसको डिनोट करते हैं हम दो चीजों से, ए triangle, symmetric difference, इसका मतलब क्या है, जो दोनों डिफरेंस आए ना इनका ये symmetric difference of two sets is a minus b union b minus a minus b union b minus a, जैसे यहाँ आया a minus b आया b minus a, यहाँ भी 2 3 5 6 7, हाँ तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाएगा 2 3 5 6 2 3 5 6 7। अच्छा वेन डायग्राम तो भूल ही है बताना, इसको वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये सेट ए ये सेट बी, क्या कहता है ए माइनस बी, ए में से बी के एलिमेंट्स हटा दो, ये पूरा सेट ए है और ये जो कॉमन वाला पार्ट है ये बी के भी एलिमेंट्स है, बी में भी ए में भी है, तो a माइनस बी क्या होगा, ये वाला पार्ट, इसे a माइनस बी को ओनली a भी कहा जाता है, क्या कहेंगे, ओनली a, ऐसे b माइनस a को जब बोलेंगे, b में से a वाला पार्ट मतलब कॉमन हटा दो, ओनली b, समझ में आ रही बात, सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस में हमने क्या किया, दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो हटा दें, a माइनस बी, a माइनस बी क्या था, ये वाला पोर्शन, b माइनस a क्या है, तो ये आ जाएगा आपके पास में क्या, सिमेट्रिक डिफरेंस, ये जो शेडेड रीजन है किसको डिनोट कर रहा है, सिमेट्रिक डिफरेंस, समझ में आई बात पक्का, एक एक करके कंपोनेंट समझा रही हूँ, उसमें एक एक कंपोनेंट दिया नहीं होगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसको अगर ऐसे लिख सकते हैं ओनली ए यूनियन ओनली बी, हाँ तुम्हें व्हाट प्रॉब्लम आएंगी, अभी व्हाट प्रॉब्लम में ये नहीं बोला जाएगा ए माइनस बी निकालो,
डी माइनस ए निकालो, वहां पे ओनली ए। जैसे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि एक लड़का है, वो एक लड़का नहीं क्लास में, एक क्लास में बच्चे हैं, दो स्पोर्ट्स खेलते हैं, कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, कुछ बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, कुछ ऐसे जो दोनों स्पोर्ट्स खेलते हैं। आप बताइए कौन से बच्चे हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं या सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं? तो ओनली ए, ओनली बी। क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे भाई, ये तो बच्चों वाले सवाल हैं, ये तो बच्चों वाले सवाल हैं। तुम बच्चे नहीं हो, बच्चे हो पर बच्चे से थोड़ी सी बड़ी कैटेगरी में आ गए, तो ये बहुत कतई बच्चे वाले सवाल है, तो ये नहीं है। ओके नेक्स्ट आ जाओ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेल्फ। कॉम्प्लीमेंट आपने प्रोबेबिलिटी में सुना होगा, क्या होता है कॉम्प्लीमेंट? What is compliment? Not A सुनते थे? A नहीं आएगा, not A। कैसे नोट करते हैं? A C या फिर A dash। सुनिए हम क्या था? मतलब एक सेट है A, एक सेट है आपके पास में A, तो A compliment क्या हो जाएगा? U minus। यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दो, यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दो। जैसे ये सेट है यू, यूनिवर्सल सेट ये ए। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए को छोड़ के बाकी जितने भी आपके पास में एलिमेंट्स, ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये क्या है आपके पास? कॉम्प्लीमेंट। समझ में आएगा? मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि कोई एक एलिमेंट x, कोई एक एलिमेंट x, कैसे x? कोई x such that x belongs to u, यूनिवर्सल में बिलोंग करेगा but does not belong to u, but a में बिलोंग नहीं करेगा। एक और बात जानिए, a कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या होगा, या a आपके पास इस कंडीशन के लिए a हमेशा क्या होना चाहिए? सबसेट ऑफ u होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबसेट ऑफ u होना चाहिए। अगर मैंने a को यूनियन कर दिया a कॉम्प्लीमेंट के साथ, क्या मिलेगा? a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट क्या देगा भाई? a कॉम्प्लीमेंट मिलके क्या देगा? u यूनिवर्सल सेट देगा भाई, a कैसे देगा? इंटरसेक्शन की बात थोड़ी ना कर रहे हैं आप, इंटरसेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? चलिए क्वेश्चन करें, ऑपरेशन समझ में आ गए? मैं सबसे आसान हो गई हूँ, लगनी भी चाहिए। इसके बाद ना लिमिट का, कि मैं लिमिट डिटेल में कराना चाहती हूँ, लिमिट और डिफरेंशिएशन डिटेल में कराना चाहती हूँ। तो तुम्हें आगे एनडीए का अगर एग्जाम दो तो तुम्हें बस उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इंजीनियरिंग के लिए भी तैयारी करो तो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है। तो मैं डिटेल में कराना चाहूँगी, मैं नेक्स्ट आपको जो है वो लिमिट कराऊंगी इसके बाद, सेट्स के बारे में। सेट्स तो ऐसे ही फ्लो फ्लो में उठा लिया, नहीं लेना चाहिए था, कुछ और लगा। चलो मैं एक एमसीक्यू का क्वेश्चन दे दूँ, एमसीक्यू के क्वेश्चन में दे दूँ। सेट ए है आपके पास 9, 18 27, 36। सेट बी है आपके पास 18, 36, 54, 72 ठीक है, एक वेन डायग्राम दे दिया। Nine, eighteen, thirty-six,
ए इंडियन डी और डी आपको दिया है 927 की फ्रीक्वेंसी आपको बताना है कि जो शेडेड पोर्शन है वो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है उसको वेरीफाई कर रहा है शेडेड पोर्शन में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं आप कह रही हैं ऑप्शन ए आप क्या कहते हैं सरकार शेडेड ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन शेडेड पोर्शन को जस्टिफाई करता है ऑप्शन डी ऑप्शन डी बहुत बढ़िया पहले तो मुझे ये बताओ कि आपके पास में ये है कौन सा सेट ये हमारे पास में है ये सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स वेरी गुड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स तो ए माइनस बी यानि कि हो गया 9 and 27 और बी माइनस हो जाएगा 54 and 72 और दोनों का यूनियन हो जाएगा 9, 27, 54 and 72 समझ आया वो वहां से भी देखने की जरूरत नहीं है वहीं से समझो आपको वेन डायग्राम से इसीलिए तो समझाया है वेन डायग्राम समझ गए ना वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा वर्ड प्रॉब्लम करना आसान हो जाएगा ये क्या है ओनली ए मतलब ए में से बी के एलिमेंट हटा दो बी के क्या है 1836 तो बच गया 927 ये ओनली बी बी में से ए के एलिमेंट हटा दो मतलब क्या हट जाएगा 1836 हट जाएगा क्या बचा 5477 तो ये क्या आ जाएगा आपके पास ऑप्शन डी ऑप्शन ठीक है चलिए अब आते हैं कुछ लॉस पे जिनको हम यूज करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ध्यान से समझना इन लॉस का इस्तेमाल किया जाएगा प्रोबेबिलिटी में भी 11th 12th में जो प्रोबेबिलिटी पोर्शन है वहां पे भी 11th में तो नहीं होता बट आपके पास 12th वाले में होता है सबसे पहले होता है इंडिपेंडेंट आइडमपोटेंट लॉ आइडमपोटेंट लॉ ये क्या कहता है आपके पास में आप खुद से बताओगे इस तरह व्हाट विल बी ए यूनियन ए ए यूनियन ए क्या होगा ए यूनियन ए क्या होगा खुद से लगाओ दिमाग लगा के ए होगा भाई अपने का अपने के साथ यूनियन करा रहे हैं हम अपने का अपने के साथ यूनियन करा रहे हैं हम रिपीटेशन तो होगा ही नहीं मान लो ये सेट ए है तो इसका यूनियन इसके साथ क्या होगा 5 6 7 है कि नहीं 5 6 7 क्योंकि हम यहाँ पे क्या करेंगे रिपीटेशन तो ले नहीं सकते सेट्स में तो ये ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा शायद नहीं श्योरिटी लगाओ ये भी ए ही होगा ए ही होगा भाई 5 6 7 का 5 6 7 से इंटरसेक्शन करोगे पूरा ही सेट कॉमन है आपके पास में है कि नहीं पूरा ही सेट कॉमन है आपके पास में नेक्स्ट आइडेंटिटी लॉ ए यूनियन फाई क्या होगा आपके पास में ए यूनियन फाई तो ए ही होगा यस मैम आप क्यों नहीं समझ रहे एग्जाम्पल लेकर ये सेट है और फाइव सेट है दोनों कंबाइन करेंगे क्या आएगा ए ही आएगा ना एग्जाम्पल लेके करो बेटा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है फॉर्मूले भी समझने की चीज होती है समझ लो काम खलास नेक्स्ट बताओ अभियान थोड़ा बड़ा ए इंटरसेक्शन फाइव क्या होगा A intersection 5 इस सेट ऑफ 5 में क्या कॉमन है 5 बिकॉज़ 5 इज एन एलिमेंट ऑफ एवरी सेट अगला A intersection यूनियन क्या होगा intersection
यूनियन है क्या? ए इंटरसेक्शन यूनियन, सॉरी ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट आएगा, इंटरसेक्शन जो आ रही है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट्स, ये एक सेट है, यूनिवर्सल सेट, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, इंटरसेक्शन क्या आएगा? यूनियन कैसे आएगा, मतलब यूनिवर्सल कैसे आएगा? ए यूनियन यूनिवर्सल क्या होगा? ये यूनिवर्सल है, इसमें छोटा सेट आंसर होता है, इसमें बड़ा सेट आंसर होता है। कॉम्यूटेटिव लॉ, जैसे हमारे पास सिंपल हमारा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव है, 2 प्लस 3 सेम एज 3 प्लस 2, 2 मल्टीप्लाई 3 सेम एज 3 मल्टीप्लाई 2, सेम चीज है। ए यूनियन बी सेम एज बी यूनियन ए, ए इंटरसेक्शन बी सेम एज बी इंटरसेक्शन ए आपके पास में, एसोसिएटिव लॉ भी सेम इसी तरीके से होल्ड करेगा आपके पास में, एसोसिएटिव ये भी इसी तरीके से होल्ड करेगा, ए यूनियन बी यूनियन सी इज सेम एज ए यूनियन इंटरसेक्शन में भी सेम चीज है, ए इंटरसेक्शन बी सेम एज ए इंटरसेक्शन बी, समझ में आई बात पक्का? यहाँ तक कोई डाउट है? चलिए अब यहाँ पर ये हो गया आपके पास में। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की, किसकी बात कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है आपके पास में? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती थी, प्लस और माइनस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, ऐसे ही आपके पास में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, दिस कैन बी रिटन एज, ओपन कर दो, ए यूनियन बी क्या है? इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ऐसे ही करते थे ना ब्रैकेट ओपन, सेम चीज यहाँ पे करनी है, कुछ अलग बात नहीं है, अगर अलग है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी is same as A intersection B union, समझ में आ गई बात पक्का? फिर आते हैं आपके पास में डी मॉड, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, डी मॉर्गन आपके पास बहुत इम्पोर्टेंट है, कहता है A union B complement is like A complement intersection B complement, मतलब जब मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो A का कॉम्प्लीमेंट यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन क्या होता है? सब एक साथ, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन कि सिर्फ कॉमन कॉमन साथ और B कॉम्प्लीमेंट, समझ में आई बात? ऐसी अगर ये है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, ब्रैकेट ओपन किया, ए का ए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपके पास, समझ में आ रही है बात? हाँ या ना? व्हाट विल बी ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल, यस यूनिवर्सल, एंड ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट ए, सोच के बताओ जी, ए और ए कॉम्प्लीमेंट में इंटरसेक्शन मतलब कॉमन क्या? कहाँ ध्यान है बालक? चलिए बालक नोट करिए, क्या कह रहे हैं? ए कॉम्प्लीमेंट है ना, उसको मैंने एज ए यूनिवर्सल देखा, एक से पता चलेगा तुम्हें कंसेप्ट कितना क्लियर है आपके पास में। दो सेट्स हैं, यू हैव टू सेट्स, पहला सेट है ए, ए क्या आपके पास में? ए सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड ऑटोमोबाइल, ए क्या है भाई? ए आपके पास में सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड ऑटोमोबाइल,
मोबाइल और बी क्या है वॉवल्स ऑफ द वर्ड मैथमैटिक्स इसके वॉवल्स का है आपके पास में इसके वॉवल्स का है यू हैव टू वेरीफाई पहला एन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू एन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू एन ए यूनियन बी माइनस ए एक तो ये वेरीफाई करना है दूसरा आपके पास वेरीफाई करना है एन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन पहले फर्स्ट वाला सेट देखो बताओ क्या करेंगे व्हाट विल बी एन ए माइनस बी पहले तो ये बताओ कि ए क्या होगा बोलो 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 ए में क्या आएगा ए यू टी ओ एम बी आई एल ई आई एल और बी एम क्यू बेटा क्या है A, E, क्या निकालना है A माइनस बी मतलब A में से B के एलिमेंट्स हटा दो A में से B के एलिमेंट्स हटा दो क्या आएगा क्या आएगा E O M B L या और A यूनियन B A U E O M सेम आ जाएगा पूरा सेम रहेगा आपके पास और A यूनियन B माइनस B फिर वही आ जाएगा A माइनस B U T O M B L B L दिस इज RHS LHS इक्वल्स टू RHS इंटरसेक्शन बी पहले A इंटरसेक्शन भी निकालते हैं क्या आएगा A इंटरसेक्शन A E I और अब बताओ A माइनस A इंटरसेक्शन भी क्या आएगा वही U कॉम्बल U कॉम्बल बेल नहीं होगा फिर बल होगा U कॉम्बल होने के लिए तो एल चला रहा है यूटोम्बल और ए माइनस बी क्या है ये हमने निकाला सेम तो हेंस वेरीफाई तो अभी के लिए जो आपके पास क्वेश्चन आएंगे वो इस तरह व्हाट प्रॉब्लम्स आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी अभी के लिए जो आपके पास क्वेश्चन है वो इस तरीके के हैं ऑपरेशंस क्लियर लॉज क्लियर कैसे अप्लाई करना है ये क्लियर हो गया कोई डाउट है यहाँ तक एक बार किताब दे दो बता दो कहाँ तक का करके लाना है ये 1.3 तो पूरा हो गया ना मेरे ओके इंटरवल ऑफ सेट अभी समझा दूं
देखो समझो इंटरवल क्या है, बहुत सिंपल सी बात है इंटरवल, उसको हटा दो। कोई सेट है हमारे पास में, उसको जब हम इंटरवल में डिनोट करते हैं आपके पास, क्या कर रहे हैं भाई, इंटरवल में डिनोट कर रहे हैं आपके पास। पहले इंटरवल को समझो, ये कहलाता है आपके पास ओपन इंटरवल, क्या कहलाएगा, ओपन इंटरवल, ये है क्लोज इंटरवल, दिस इज ओपन इंटरवल, दिस इज क्लोज इंटरवल। ये क्या है आपके पास में, वो आपके पास में है वन साइड क्लोज एंड वन साइड ओपन इंटरवल। वन साइड क्लोज वन साइड ओपन का मतलब क्या है कि भाई आपके पास में वो लेफ्ट से आपके पास में क्लोज है और राइट से आपके पास में ऐसे खुला रखो तो उलझ जाए, इसको तो मैंने अच्छे से बाइंड करके उसके स्टिकर के साथ कर, फिर भी उलझ गया। इसका मतलब क्या है आपके पास, लेफ्ट क्लोज राइट ओपन, लेफ्ट में क्लोज है राइट में ओपन है आपके पास में इंटरवल। देखो अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सेट की लैंग्वेज में लिखूंगी कैसे दिखता है भाई कोई एक सेट। इसके लिए हमारे पास क्या है, x such that x such that x is less than b greater than a, मतलब a से बड़ी वैल्यू इंक्लूड होगी, b से छोटी वैल्यू इंक्लूड होगी, पर a और b नॉट इंक्लूडेड, a और b नॉट इंक्लूडेड। जैसे मैं एक सेट लेती हूँ x सच दैट x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 5 वेयर x बिलोंग्स टू n नेचुरल। तो अगर इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखें क्या लिखेंगे, 2 3 4, मतलब ना 1 आएगा ना 5 आएगा आपके पास। इंटरवल में कैसे दिखाएंगे, ये इंटरवल के दो एंड्स हो गए हमारे पास में, क्योंकि आपके पास ये कहां से कहां है, 1 से 5, 1 से 5 या फिर a टू b आप देखो। अब यहां पे ना a इंक्लूडेड है ना b इंक्लूडेड है, तो आप बीच वाली लाइन को डार्कन कर दो कि बीच के सारे एलिमेंट्स हैं आपके पास में, पर ये नहीं। समझ में आ रही है बात, ऐसे क्लोज इंटरवल को अगर मैं डिफाइन करूं कैसे करेंगे, x such that x is greater than equals to a, a पे क्लोज है equals to, a पे क्लोज है equals b पे भी क्लोज है less than equals to b, मतलब इसी के लिए अगर मैं इसी के लिए देखूं क्या करेंगे, x such that x is greater than equals to 1 अगेन मेरा x belongs to n natural number। तो a set अब क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, समझ में आई बात। और जब आप इसको इंटरवल में डिनोट करेंगे, ये इसके दो एंड पॉइंट्स हैं जो a और b इंटरवल को, मतलब 1 और 5 को बता रहे हैं, तो इसमें तो 1 और 5 भी इंक्लूडेड है, तो इनको भी डार्कन कर दो और सेंटर भी डार्कन हो जाएगा हमारे पास। समझ में आई बात, ऐसे लास्ट वाले में आ जाओ। ये क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, क्योंकि आपके पास क्लोज है बट लेस देन इक्वल्स, मतलब a इंक्लूडेड है बट b नहीं है इंक्लूडेड। इस सेट के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज greater than equals to 1 but less than equals to 5 where x belongs to n, यहां पे x आपके पास n नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो क्या
सेट क्या बन जाएगा? 1 2 3 4 5 नहीं आएगा, 4 तक आएगा। और इंटरवल में भी क्या हो जाएगा? 1 इंक्लूडेड है तो 1 को डाल देंगे, 5 वाले एंड को एज इट इज छोड़ देंगे क्योंकि वो ओपन। ठीक है, समझ में आई बात? ऐसे आपके पास इसका चौथा आता है, आपके पास चौथा जो इसका पार्ट है आपके पास ए कॉमा बी, इधर से क्लोज इधर से ओपन, ये क्या हो जाएगा? ए सच दैट एक्स एक्स सच दैट एक्स एक्स एलिमेंट है आपके पास वेयर ग्रेटर देन ए बट दिस इज लेस देन इक्वल्स टू बी। सेम इंटरवल के लिए डिफाइन करेंगे एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वन लेस देन इक्वल्स टू 5, where x belongs to n, तो क्या elements आ जाएंगे? 2, 3, 4, 5। और अगर मैं इसको interval में लिखाऊं, interval में कौन सा included है? ये included नहीं है आपके पास, ये included, और center के साथ, ये आ जाएगा आपके पास 1 5 या 8 और this is interval part। समझ में आ गई बात? तो अभी आपने क्या करना है, एक तो आपके 1.3 में